से किसी सिटी में जाना है, जैसे करंटली मैं छपरा में हूँ और मुझे यहाँ से अगर मुंबई जाना है, तो यहाँ से मुझे पहले पटना निकलना पड़ेगा, फिर वहां से फ्लाइट लेनी पड़ेगी और फिर वहां से मुझे मुंबई निकलना पड़ेगा। तो यहाँ से जब मैं पटना के लिए निकलूंगा, तो यहाँ से पटना नो फ्लाइट्स आर अवेलेबल, ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि हम यहाँ से उड़ के जाए, अभी तक फ्लाइंग कार्स आई नहीं है। तो यहाँ से हम जब पटना जाएंगे, तो हम ऑडोमीटर में डिस्टेंस देखते हैं। ऑडोमीटर मतलब ऑडोमीटर इज ए डिवाइस जो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करके देता है, जो हमारी गाड़ियों में लगा होता है। तो जब भी हम यहाँ से पटना ट्रैवल करेंगे, तो अगर हमने कोई टैक्सी बुक कर रखी है या बाइक से जा रहे हैं, तो वहां पे हम देखेंगे कि उसमें ऑडोमीटर में डिस्टेंस दिखाएगा, हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए जाएंगे। फिर अगर हम निकलेंगे पटना टू मुंबई, तो इन जगहों पे हम यहाँ से यहाँ तक जब फ्लाइट से जाएंगे, तो ऑलमोस्ट हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जब हम फ्लाइट से चलते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करते हैं। मतलब जब मैं अपने होम टाउन से पटना के लिए निकला, तो मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्योंकि रोड सीधे नहीं होते हैं, वो आपको घूम 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 के जाना पड़ेगा। और वहां से जब मैं मुंबई निकला, तो वो मुझे डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं, क्योंकि वहां से वहां तक हमने फ्लाइट से ट्रैवल किया। और जब मैं फिर मुंबई एयरपोर्ट पर उतरता हूँ, तो वहां से मुझे अगर जाना है, मान लीजिए मुंबई से हमें दादर निकलना है, तो वहां से फिर हमें टैक्सी लेनी पड़ेगी, और वो जो टैक्सी होगी वापिस से हमें डिस्टेंस ट्रैवल कराएगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के एप्लीकेशंस को हम ऐसे देख सकते हैं कि जब भी हम बाई रोड जाते हैं, जब हमें घूम घूम के जाना पड़ता है, तो हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, और जब हम फ्लाइट से निकलते हैं अक्सर, तो हम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर सकते हैं।